नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबर। झारखंड के धनबाद के कुमारडुबी क्षेत्र में कोयला जब्त। कुमारडुबी क्षेत्र में आज सुबह 9 बजे विजय कुशवाहा के नेतृत्व में तिरुपति बालाजी रिफैक्ट्री में छापामारी की गई। मौके पर लगभग 5 टन कोयला जब्त किया गया। वहीं साइकिल से अवैध कोयला बालाजी रिफैक्ट्री में लिया जा रहा था। गुप्त सूचना मिली कि तिरुपति बालाजी रिफैक्ट्री में अवैध तरीके से साइकिल से कोयला लिया जा रहा है। इसी के आधार पर छापामारी की गई और भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया गया। कानूनी प्रक्रिया जारी है। मुगमा संवाददाता पप्पू केवट की रिपोर्ट। तिरुपति बालाजी रिफैक्ट्री में जो छापामारी किया गया सर, कितना कोयला जब्त किया गया? अभी उसमें सीजर की प्रक्रिया चल रही है, वजन अभी नहीं किया गया है, लेकिन करीब 4-5 टन कोयला होगा। हम लोगों को सूचना मिली थी कि साइकिल से कोयला ले रहा है, तो थाना प्रभारी के साथ उसके टीम के साथ हम लोग रेड किए थे आज 8-9 बजे के करीब। उसमें वहाँ पर कुछ कोयला मिला और कुछ साइकिल उसी के फैक्ट्री के आसपास साइकिल वाला कोयला जो बोरा में रहता है वो भी कोयला था। अभी उसमें जब्ती की प्रक्रिया चल रही है, फिर आगे एफआईआर भी होगी। तो मामला क्या दर्ज होगा? कोयला चोरी का मामला दर्ज होगा, क्योंकि उसने कोई कागजात नहीं दिखाया और वो साइकिल से चोरी का कोयला लिया जा रहा था।